नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम फिर से बातें करने वाले हैं रोडीज एक्सट्रीम की बातें। रोडीज एक्सट्रीम में आज के एपिसोड में हमें क्या क्या दिखाया गया था, और आज था फिर से वही दिल्ली ऑडिशन की बातें। तो दिल्ली ऑडिशन में आज बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें भी हुई है और बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें भी हुई है। कुछ अच्छे पार्ट्स भी हमें गैंग लीडर्स के देखने को मिले हैं, उनके अच्छे साइड्स जो उन्होंने जिस तरह से आज कुछ कुछ लोगों को समझाया है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। बट एट लास्ट जो बंदा आया था, आई टेल यू कहां से आते हैं ये लोग। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं जिस बंदे की, वो बंदा था कशिश ठाकुर। अब कशिश ठाकुर ने क्या क्या कारनामे किए यार, उस बंदे ने बहुत अच्छी अच्छी चीज हमें बताई है आज। वो बंदा जिस्सू सिखाता है, जब वो ये बोलोगे बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता था, लाइक मुझे भी ये चीजें नहीं पता थी, आज ही मुझे ये चीज पता चला और ये बहुत ही अच्छी चीज है। आजकल दुनिया में जहां भी आप देखो रेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका बस एक ही मोटिव है, वो सिर्फ इतना करना चाहता है कि वो सारी लड़कियों के वो मूव आना चाहिए ताकि कल को कोई भी लड़का ऐसा कुछ ट्राई करे तो वो ऐसे मूव मार के उसे करके वो उस चीज से बच सकती है, जो कि बहुत अच्छा था। उसने नेहा धूपिया के ऊपर भी, नेहा धूपिया को बहुत सारे मूव दिखाए, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें बताई और अपने मूव्स दिखा के उसने सबकी लाइट भी जलवा ली। तो सबने उसके लिए लाइट बजाई है और उसकी हो गई है एंट्री। अब हम बातें करेंगे सेकंड कंटेस्टेंट की। सेकंड कंटेस्टेंट कौन है? रीचा शर्मा। रीचा शर्मा जो कि खुद को विलेन मानती है। एक टाइम पे उनका बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद उनको ड्रग लेने की आदत पड़ गई। अब ड्रग लेने की आदत, आई डोंट नो क्या होती है कि ड्रग लेते हो, अगर 2-3 बार लो तो शायद आप एडिक्ट हो जाते हो, ऐसा कुछ होता है। और इसी चक्कर में उन के साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट हुआ, जो कि बहुत ही गलत था। उनके फ्रेंड्स के डैड ने ही किया ये चीजें, तो उन्होंने बताई सबको ये बातें और सब बहुत ज्यादा थे कि आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, आपने सब बातें नहीं की, आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। उसने वही बताया, अपनी स्टोरी बताई कि नहीं, वो खुद हस्बैंड वाइफ ही अलग रहते हैं। उसने अपने फ्रेंड को भी कॉल किया, उसके फ्रेंड ने भी कॉल नहीं उठाया। यार ऐसे कैसे, उसका एक अच्छा फ्रेंड था जो इतनी सारी चीजें हो गई उसके साथ। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप क्लब में पार्टी कर रहे हो एक साथ, तो आप उसको एटलीस्ट फोन पे उठा के उसको बोलना तो चाहिए कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी बातें तो सुननी चाहिए थी। और ये एक ऐसी स्टोरी थी कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी। बट इसमें मुझे गैंग लीडर रणविजय का एक बहुत ही अच्छा साइड दिखा। उन्होंने काफी ज्यादा उसे सपोर्ट किया। उन लोगों ने जब पूछा कि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही हो, पुलिस के पास जाओ, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, उसने बोला सोसाइटी नहीं मानती, ये नहीं मानती, मुझे गलत ठहराएगी। उन्होंने बोला अगर सोसाइटी के लिए नहीं, अपने लिए जियो, अपना तुम्हें देना है कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, गलतियां होती है हर इंसान से। रणविजय ने एक बात बोली उस वही पे, उन्होंने बोला कि अगर ये पुलिस के पास गई तो सबसे पहले तो इसी के ऊपर केस आएगा कि ये ड्रग्स लेती है, तो ये चीज नहीं कर सकती ये बंदी। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें, जब वो रोने लगी, फिर उसको बॉलिंग के लिए, हंसाने के लिए थोड़ा बहुत मस्ती भी हुई। अब भाई लाइट जलाने की, तो लाइट जलाने में किसी ने लाइट नहीं जलाया, सिर्फ रफ्तार और निखिल ने जलाया। वो भी इसलिए कि वो चाहते थे कि इसमें आए, एक चांस मिले, अपनी पुरानी लाइफ को हटा दे और न्यू लाइफ में वो मूव ऑन करे, नए दोस्त बनाए, नई स्टोरी जो भी आती है उनकी लाइफ में, नए मूवमेंट क्रिएट करे, तो ये सारी चीजें हो उनकी लाइफ में और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन नेहा धूपिया ने ये बोला कि ये बहुत इमोशनल है, ऐसा नहीं हो सकता है, कि ये जरूरी नहीं है कि ये अच्छा भी हो सकता है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म और उनके लिए बुरा भी हो सकता है। रणविजय ने भी सेम चीज बोली कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और क्या पता कि फिर इस गेम में आए, किसी से प्यार हो जाए और फिर ब्रेकअप हो और फिर ऐसी चीजें हो, तो ये वर्क भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये इनके साथ बहुत ही अच्छी चीजें हो। फिर नेहा धूपिया ने भी बोला, बहुत सारी डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद लास्टली 3 लाइट चाहिए थे और रणविजय ने बजा दिया। रणविजय ने बजाने के बाद एक बात बोली कि मैं आपको एक चांस दूंगा और वो चांस सिर्फ इसलिए कि आप नेक्स्ट राउंड तक स्ट्रांग होके, आपके पास 2 महीने का टाइम होता है ऑडिशन के बाद, एक्चुअली सेलेक्ट होने के बाद 2 महीने का टाइम होता है स्टार्ट होने में, जो भी टास्क होते हैं, और नेक्स्ट राउंड भी होता है। तो सबका ये था कि नेक्स्ट राउंड तक वो बंदे स्ट्रांग होके आए तो वो फिर नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाएगी और फिर टास्क स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो भी टास्क होते हैं रोडीज के।
तो ये अच्छी भी चीज थी, बहुत सारी अच्छी साइड्स अभी देखने को मिली। अब हम बातें करते हैं तीसरे कंटेस्टेंट की, डॉली शर्मा जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है। 2 साल से वो योगा सिखा रही है अपने ही घर के छत पे, और काफी कम लोग हैं वहां पे, काफी कम लोग हैं क्योंकि कोई उन्हें जानता नहीं है। बट नेहा धुपिया ने एक बात बोली कि क्या पता इस ऑडिशन के बाद आपको लोग जानने लगे और आपके पास बहुत सारे कंटेस्टेंट यानी कि बहुत सारे लोग आ सके आपसे योगा सीखने के लिए। उनसे बोला गया कि कुछ मूव करो। यार उस बंदी ने क्या मूव्स किए थे, बहुत ही अच्छे किए हैं। पूरे बॉडी ऐसा लग रहा है स्प्रिंग है, इधर से उधर से ऐसे ऐसे घूम रहा है इतना, तो मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूं मुझसे उसका 10% भी नहीं हो पाता। मैं सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को, उस बंदी ने बहुत अच्छे किया है। और सीरियसली अगर वो जिसकी भी टीम में जाएगी वो नेक्स्ट दूसरे टीम को कॉम्पिटिटर, वो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छे से वो चैलेंज करेगी लोगों को। तो उसके लिए फिर से प्रिंस ने, रफ्तार ने और निखिल ने बजट दबाई है, तो ये तीन ने बजा दी और वो हो गई है सेलेक्ट। तो अब हम बातें करते हैं चौथे कंटेस्टेंट, हार्दिक नंदा। ये बंदा तो क्या बोलूं मैं इस बंदे के बारे में, क्या सोच के आया था। तो बातें करते हैं इस बंदे के बारे में। इस बंदे को एंजाइटी अटैक आता है। अब ये सबसे पहले आ चुका है ड्रॉप आउट में, जहां पे उसने ये बातें उसको बताई थी। थोड़ा सा फेम उसको ड्रॉप आउट में आने के बाद मिल गया था, और उसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वो रणविजय को भी मानता था, लेकिन उसके जो बोलने का वे था बहुत ही ज्यादा गलत था। सबसे पहले तो रणविजय, और उसको बोलता लुक इन टू माई आई, आई एम नॉट हंग्री, ऐसा करके उसने बोला। तो रफ्तार थोड़ा गुस्सा हुए कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या करना क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीजें हुई, उसके बाद भी वो बंदा बहुत ही गलत वे में बोल रहा था। रफ्तार जब उसने टोकना शुरू किया, रफ्तार ने बहुत सुनाया, जब टोकना स्टार्ट किया तो उस बंदे ने बोलता है भाई मेरे, मतलब ऐसे जैसे रोड पे कोई बात कर रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं। और उसने भी फिर यही चीज बोला कि यार तुम क्या कर क्या रहे हो। प्रिंस ने उसको क्या किया, चेयर पे, चेयर का जो वो ऊपर वाला पार्ट होता है ऐसे सपोर्ट के लिए, उस पे उसको खड़ा कराया। उसके बाद उसको बोला बैठ के मुर्गा बनो। अब मुर्गा बन गए, बहुत सारी चीजें हुई, मुर्गा बनने भी उस बंदे को नहीं आता था। उसके बावजूद उसका एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ, उसका एटीट्यूड बढ़ता ही गया, और बहुत ही गलत वे में खाली बोलता गया। जब नेहा धोपिया ने उसे समझाने का ट्राई किया, उसने उससे भी बहुत बदतमीजी से बात की। रणविजय के तो वो ऐसा लग रहा था कि वो पीछे ही पड़ गया, बस रणविजय, मैं मानता हूँ तुम्हें, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बट एक वे होता, अगर आप किसी को मानते हो, आप किसी को सपोर्ट करते हो, या फिर आप किसी को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हो कि यार वो बहुत अच्छा बंदा है, या जैसा भी है। बट रणविजय कहीं भी गुस्सा नहीं हुआ, बहुत सपोर्टिंगली ले रहा था उस चीज को। बट बाकी के लोग, रफ्तार, प्रिंस, ये लोग बहुत ज्यादा, निखिल, ये लोग बहुत गुस्से में थे। नेहा धुपिया मैंने तो लिटरली उसके फॉर्म भी फाड़ के फेंक दिए थे। ये सारी चीजें हुई, और बाद में जब नेहा धुपिया से भी उसने बदतमीजी की, तो रफ्तार और प्रिंस ने उसे बाहर निकाल दिया। तो ये था आज का एपिसोड, आज का रोडी दिल्ली ऑडिशन। अब हमें नेक्स्ट वीक दिखाया जाएगा चंडीगढ़ ऑडिशन के बारे में, तो देखते हैं कि चंडीगढ़ ऑडिशन में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, और कितने लोग ऐसे ऐसे थोड़े अजीब टाइप के आते उठपटाम टाइप के। तो ये हम देखते हैं चंडीगढ़ ऑडिशन में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय, टेक केयर।